की बात की, क्या आपके बेटे शहबाज साहब को भी टिकट मिल जाए पीटीआई का? देखिए, इस पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है, जरूर इजहार, ख्वाहिश का इजहार किया गया है, लेकिन अभी तो मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और मैं ही पीपल्स पार्टी हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूर की बात करती है, पावर पॉलिटिक्स नहीं। पावर पॉलिटिक्स तो जूते पॉलिश करने वाली पॉलिटिक्स है, सियासत है, ये पीपल्स पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी किया करती थी और अब उसके एहसास हो गया है। आज आप देखें, बिलावल भुट्टो भी कह रहा है कि अगर यही आपने ढोंग रचाना है तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है, कि अगर आपने तय कर लिया है कि किसी को जो है ताजपोशी करनी है तो फिर इस तरह से एक और सेलेक्टेड लाकर आप अपने मुल्क की और अपने निजाम की और जमहूरियत का मजाक उड़ा के आइन के आप जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बेटों को कोई लड़ रहे हैं, और बेटे माशाल्लाह अगर लड़े, ये भी इलेक्शन जो बेटा मेरा लड़ा था जिसमें हाईएस्ट वोट्स लिए, माफ कीजिएगा, मैंने बेटों को अब वो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं और अपने फैसले खुद करते हैं, वो खुद करते हैं वो फैसले। हाँ, जाहिर है कि अगर वो खड़ा हो जाए तो मैं फिर उसको तायीद सपोर्ट करने का पाबंद होता हूँ एज ए फादर, एज ए बाप की हैसियत से, लेकिन मैंने कभी फैसले मुसलत नहीं किए, मेरे बेटे अपने फैसले खुद करते हैं और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे, एक वकील ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी हैं और फिर उनकी जो है एक वकला के अंदर पजीराई आपने खुद इस इलेक्शन में देख ली, वो अगर फैसला करेंगे तो उनका अपना फैसला होगा।